हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता 1860, जिसे आप इंडियन पिनल कोड 1860 या सामान्यतः जो है आईपीसी के नाम से जानते हैं। चूंकि सबको पता है कि राजस्थान जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम जो है 23 को प्रस्तावित है, 23 से इसका एग्ज़ाम जो होगा उसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन में 70 जो क्वेश्चन होंगे वो जो है आपके लॉ से होंगे, और उसके बाद 30 मार्क्स के क्वेश्चन जो है लैंग्वेज पेपर से होंगे, जिसमें से 15 मार्क्स हिंदी का होगा, 15 मार्क्स इंग्लिश का होगा। तो लॉ के जो 70 मार्क्स पूछे गए हैं उसमें से कुछ 7 से 8 मेजर लॉ हैं, उसके बाद जो है माइनर लॉ हैं। तो माइनर लॉ से अगर देखा जाए तो जो है कुछ ही जो है माइनर एक्ट ऐसे हैं जिनसे जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी से लगभग एक एक क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। जबकि मेजर लॉ की बात करते हैं तो अगर आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि माइनर मेजर को पहले कवर करना, माइनर को उसके साथ भी कवर कर सकते हो या जो है लास्ट में कवर करते हो, यानी कि सबसे पहले इसको। और वैसे भी वो स्टूडेंट्स, वो एस्पिरेंट जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो उनका केवल रिवीजन ही करना होगा, शुरू से तो बिल्कुल नहीं पढ़ना होगा, बस कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन उसको ही देख करके उनको वो तैयार करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे इंडियन पिनल कोड 1860 की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब चूंकि हम सबको पता है कि 511 टोटल सेक्शन हैं और इस टोटल सेक्शन में क्या पूछा जाएगा, केवल 8 से 10 क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें देखनी और बेयर एक्ट के थ्रू देखना जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो कुछ बेसिक पॉइंट को हम बात करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम सेक्शन जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको हम देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहला जो प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई थी वो 1833 का चार्टर एक्ट से हुआ था, यानी कि 1833 का, 1833 का जो चार्टर एक्ट था ना, उसके ही अधीन जो है प्रथम विधि आयोग, फर्स्ट लॉ कमीशन की स्टेब्लिशमेंट हुआ, और उसके बाद जो है प्रथम विधि आयोग की स्थापना जो है 1834 में जो है इस अधिनियम के तहत कर दी जाती है। इसमें जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले जो है, ये क्या रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो उस समय तत्कालीन जो गवर्नर थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, उनकी ही अनुमति से जो है 6 अक्टूबर 1860 में जो है ये जो है बिल पेश किया जाता है और उनकी अनुमति प्रदान की जाती है। और अगर इन्फोर्समेंट डेट की बात करें तो 1 जनवरी 1862 को जो है ये प्रवर्तन में आ जाता है, यानी कि इसकी प्रवर्तन तिथि 1 जनवरी 1862 है, यानी कि प्रवर्तन जो तिथि है वो 1 जनवरी 1862 है, जबकि अनुमति जो दिया गया सेंट की तिथि है वो है 6 अक्टूबर 1860, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इसमें टोटल सेक्शन 511 हैं, इसमें टोटल चैप्टर जो है 23 हैं। अब 23 चैप्टर में 511 धाराओं को जो है बांटा गया है, और किसी किसी में बहुत ज़्यादा सेक्शन है तो किसी किसी में बहुत कम सेक्शन है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपको, हर एक्ट का फर्स्ट अमेंडमेंट आपको लर्न होना चाहिए। जैसे आईपीसी का पहली जो संशोधन है वो 1870 में हुआ था, और ये किस लिस्ट में आता है, तो ये जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची का प्रविष्ट संख्या 1 एंट्री नंबर 1 में ये इस बात को दिया गया है, और इसका प्रभाव जो है कैसा है भविष्यलक्षी। ये कुछ जो है बेसिक बातें थी आईपीसी से संबंधित। अब हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट में टोटल 5 जो है धाराएं हैं, 5 सेक्शन हैं, और सबको पता है कि जो चैप्टर फर्स्ट है इसमें कुछ बेसिक ही बातें होंगी, और सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो उसका जो है विस्तार बताता है, शॉर्ट टाइटल बताता है क्या होता है, कहाँ तक ये लागू होगा। तो इसमें भी वही चीज़ है, जैसे सबसे पहले इसकी उद्देशिका देख लेते हैं। तो ये बता रहा है कि भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपबंध करना समीचीन है, तो बस इतना ही उद्देशिका प्रियम्बल है जो है आईपीसी का निर्माण से संबंधित बातें कर रहे हैं। जो पहला सेक्शन है वो बताता है संहिता का नाम, उसके प्रवर्तन का विस्तार कहाँ कहाँ होगा। इसमें बस एक पॉइंट आपको ध्यान देना है कि अभी मतलब 31 अक्टूबर 2019 के पहले जो है ये अप्लाई होता था
टू ऑल द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में ये जो है लागू नहीं होता था, सॉरी एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके बाकी सभी जगहों पर लागू होता था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद जो है ये अभी फ़िलहाल में जो जितने भी एक्ट्स हैं वो सभी जो है संपूर्ण देश पर लागू होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन ये है कि जैसे कुछ जो जैसे CPC वगैरह हुआ, CRPC हुआ, तो कुछ ट्राइबल एरिया नागालैंड जैसे जनजाति क्षेत्रों वगैरह में छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगह लागू होता है। ठीक है, तो ये सेक्शन 1 बताता है। उसके बाद जो है सेक्शन 2 की बात करते तो ये कह रहा है कि भारत के भीतर किए गए अपराध के लिए दंड। ठीक है, ये बता रहा है भारत के भीतर अगर कोई, चाहे वो भारतीय नागरिक हो चाहे विदेशी नागरिक हो, अगर वो भारत के अंदर कोई भी क्राइम करता है तो उसको जो है पनिशमेंट मिलेगा। तो ठीक है, और उसके बाद ये एक कॉन्सेप्ट है कि जो है विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता है। तो अगर आप विधि का उल्लंघन करते हैं इसका मतलब आप कोई ना कोई अपराध करते हैं। अगर मान लो कि कोई ऐसा क्राइम कर रहे हो या कुछ ऐसा है जो जिस पे कोई विधि नहीं है तो इसका मतलब आप क्राइम ही नहीं किए हैं। ठीक है, उसका सेक्शन 3 बताता है भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों के लिए दंड। तो बस इतना ही यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इसको बोलते हैं टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, ये सेक्शन 3 है। और सेक्शन 4 बताता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। ठीक है, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों का संहिता का विस्तार। ठीक है, तो ये बताते कब भारत में विदेश में किए गए अपराध का मुकदमा चल सकेगा। ठीक है, यानी कि जो है अगर विदेश में कोई अपराध किए हैं, ये सेक्शन 4 ये बताते हैं जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। अगर मान लीजिए कोई फॉरेन में कोई क्राइम करते हैं तो उसका कब जो है ऐसे अपराध का भारत में कब जो है उस पर मुकदमा चल सकता है, ये सेक्शन 4 बताता है। और सेक्शन 3 बताते हैं कि भारत के अंदर रहते हुए अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो उसके लिए जो है किस तरह से जो है पनिशेबल होगा ये बताता है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे ये तो हो गया। जैसे कि वो देख लेते हैं इलस्ट्रेशन क, जो भारत का नागरिक है, ठीक है, ए हु सिटीजन ऑफ इंडिया, वो क्या करता है युगांडा में हत्या करता है। ठीक, ही कमिट द मर्डर इन युगांडा। ठीक है, अब ये विदेश में है तो वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित या दोषी किया जा सकता है। अब ये युगांडा में किसी का हत्या कर देता है जबकि ये भारतीय है, तो भारत में जब ये पाया जाएगा तो उसको जो है इससे संबंधित जो अपराध है हत्या के लिए जो है यानी कि ट्रायल किया जाएगा, उसके बाद दोषी किया जा सकता है। ठीक है, सेक्शन नंबर 5 है जो इस चैप्टर का आखिरी सेक्शन है, वो कुछ विधियों पर अधिनियम का प्रभाव न डालना। ये बताता है कि जैसे मान लो कि कोई भारत सरकार की सेवा संबंधित अफसर हों, सैनिक हों, नौसैनिक हों, वायुसेना वगैरह हों, तो अगर वो जो है विद्रोह कर देते हैं या अपने काम को छोड़ देते हैं, अभित्यजन कर देते हैं, तो दंडित करने वाले अधिनियम वो बंदूक किसी विशेष स्थानीय प्रभाव नहीं डालेगी। तो उन लोगों का जो है मान लो कि अलग से एक्ट बना गया है, ठीक है, मार्शल लॉ होते हैं, तो ये बता रहा है कि ये जो है उसको अफेक्ट नहीं करेगी, उनका जो प्रोसीजर है उनके हिसाब से चलेगा, ये सेक्शन 5 बताते हैं। या कुछ जगहों पर लोकल लॉ है तो लोकल लॉ के हिसाब से जो स्थानीय विधि ही काम कर रही तो उसको ये प्रिवेल नहीं करेगी, ये बता कुछ विधियों पर इस अधिनियम का प्रभाव न डाला जाना, ये सेक्शन 5 बताता है। तो सेक्शन 5 हम लोगों ने जो है देख लिया है। अब यानी कि पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे इस चैप्टर में बेसिक चीज़ें ही आपको देखनी है। जैसे जो है अभी हमने बताया कि कब ये लागू हुआ, इसका प्रवर्तन तिथि क्या है, कब इनेक्ट जो है, कब इसको जो है अनुमति मिली, ठीक है, और उसके बाद जो है ये सेक्शन 3 और 4 आपके पास इम्पोर्टेंट है कि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है सेक्शन 2 में से कि जो है भारत के भीतर किए गए अपराध के लिए जो है केवल भारतीय नागरिक को ही दंडित किया जाएगा या कोई विदेशी नागरिक है और वो भारत में रह रहा है, ठीक है, आया है घूमने के लिए, कोई अपराध करता है तो क्या उसको दंडित किया जाएगा, ये सेक्शन 3-2 भी बताता है। तो इसमें आप देख सकते हैं 2-3-4, बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं सेक्शन चैप्टर नंबर टू। चैप्टर नंबर 2 में जो है बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ये जो है एक्सप्लेनेशन क्लॉज है, जिसको जो है या डेफिनेशन क्लॉज कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टोटल अगर हम बात करें तो इसमें टोटल जो है 75 सेक्शन है।
ठीक है, 75 यानी कि ये 6 से लेकर के 75 सेक्शन तक यहाँ पे दिया गया है। फिर उसके बाद चैप्टर 4 आ जाता है जो है, सॉरी यहाँ पे एक मिनट,